सड़कों पर देखने को मिल रहा है वो इस तरह की स्थिति हो गई है। मुक्ति संग्राम, आप में से जो लोग जानते हैं वो बेहद अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मुक्ति संग्राम के बाद 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी मिली थी और आजादी के एक साल बाद ही यानी कि 1972 में बांग्लादेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के जो वंशज हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में 30% जो आरक्षण है वो दे दिया था। और इसी आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश में ये आग लगी हुई है। ये विरोध प्रदर्शन जो है ये दरअसल उसी के मद्देनजर हो रहा है, उसी को देखते हुए हो रहा है। ये विरोध पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तब छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मामला तब बढ़ गया जब हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। ढाका यूनिवर्सिटी में भी झड़प की जो तस्वीर है वो सामने निकल कर आई। लेकिन यहां भारत भी जिस तरह से हम कह रहे हैं नजर बनाए हुए हैं, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, वो इसे किस नजर से देख रहे हैं ये सुनवाते हैं। ये वक्त बड़ा नाजुक है और डेफिनेटली यस, जो इंडियन छात्र हैं वहां पे या इंडियन सिटीजंस हैं वहां पे, उनका शायद वापस आना बेहतर है, कॉमन सेंस है, क्योंकि जब लॉलेसनेस बढ़ेगी वहां पे, और बांग्लादेश में पहले भी बहुत किस्से हो चुके हैं एंटी इंडियन एंटी हिंदू राइट जिन पर अटैक्स किए गए हैं, अब ऐसे में अंग्रेजी में एक सेइंग है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। अब प्रोटेस्ट तो ये कोटा को लेके चल रही हैं, बट जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश में, चाइना बैक ग्रुप्स हैं, उनको तो फ़ायदा है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं और बांग्लादेश के अंदर से इंडियंस को पुश करने में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को टेंस करें। तो विदेशी मामलों के जानकार रविंदर सचदेव को आप यहां पर सुन रहे थे। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले 1971 की हम यहां पर बात कर रखे हैं, जो बांग्लादेश में जिन्होंने वो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो उनके वंशज हैं, दरअसल उनको 30% आरक्षण की ये बात है और उसी के विरोध में देखिए ये किस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से बांग्लादेश में आग लगी हुई है। अभी ये देखिए, अभी जो हम यहां पर बात कर रहे हैं, पहले होता था 80% आरक्षण, लेकिन अभी की अगर बात करूं तो सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण 56%, ये कोटा सिस्टम जिसको लेकर उबाल देखने को मिल रहा है बांग्लादेश की सड़कों पर, बांग्लादेश में ढाका की सड़कों पर। अब हम यहां पर बात करते हैं, मैं जिसकी बात कर रही थी कि वो जो वंशज है जो स्वतंत्रता सेनानियों के जिन्होंने लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में, ये 30% जो कोटा है, ये 30% जो आरक्षण है, ये उनके लिए है और सारा खेल इसी का है। अब हम अगर इस सरकारी नौकरी के 56% के बाकी उसकी बात करें तो बाकी 44% जो है वो अनारक्षितों के लिए है। साथ ही साथ 1% की अगर बात करूं तो वो दिव्यांगों के लिए है, 5% की अगर बात करूं तो वो धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है और 10% आरक्षण जो है वो पिछड़े जिलों के लिए है और 10% आरक्षण महिलाओं के लिए भी है। तो ये पूरा टोटल हमने यहां पर आपको बता दिया और दरअसल इसी को लेकर ये जो पूरा प्रदर्शन है, जो ये 30% आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये दरअसल इसीलिए ये आग लगी हुई है, इसीलिए ये जो विरोध की लहर है वो नजर आ रही है। लेकिन हम इस पर आपको सुनवाते हैं कि और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही है, पीके सहगल क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनवाते हैं। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में जबरदस्त दंगे फसाद हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि वहां के युवक चाहते हैं कि हर प्रकार का आरक्षण जो है हटा दिया जाए। सरकार जो है 30% आरक्षण दे रही है उन लोगों के बच्चों को जो 1971 के फ्रीडम फाइटर्स से नाता रखते थे। वो कहते हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, काफ़ी साल हो गए इसको आरक्षण को दिए हुए, अभी हर प्रकार से आरक्षण को हटा दिया जाए। 105 युवक मारे जा चुके हैं, 47 डिस्ट्रिक्ट में दंगा फसाद मच रहा है, सारे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है। इस दंगे फसाद के पीछे ऐसी ताकतें हैं जो हर प्रकार से शेख हसीना की सरकार को गिराना चाहते हैं। वो देशद्रोही हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये सरकार जो प्रो इंडिया है इसको हटा दिया जाए। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल को आप यहां पर सुन रहे थे। लेकिन बांग्लादेश का ये जो संकट है और जो छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, वो पूरा परसेंटेज हमने आपको बता दिया, वो 30% वाला, उसी को लेकर ये विरोध की लहर, ये आग जो है वो दरअसल लगी हुई है, उबाल मार रहा है कोटा सिस्टम। आप आपको बताते हैं कि मांग क्या कर रखी है ये जो छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। मांग नंबर 1 की अगर बात करें तो पहली मांग,
आरक्षण 56% से घटाकर कितना कर दिया जाए, 10% कर दिया जाए। ये पहली बड़ी और अहम मांग इन छात्रों की है। अब मांग नंबर दो की अगर बात करूं तो जो योग्य उम्मीदवार नहीं मिले तो मेरिट से भर्ती होनी चाहिए, इसीलिए ये सड़कों पर उतरे हुए हैं कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब मांग नंबर तीन की अगर बात की जाए तो तीसरी मांग इनकी क्या है कि सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान परीक्षा होनी चाहिए, ये मांग नंबर तीन है। चौथी मांग क्या है, अहम मांग है कि सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र एक समान होनी चाहिए। पांचवी और अंतिम और बड़ी मांग जो है वो ये कि एक बार से ज्यादा आरक्षण का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये पांच अहम और जो बड़ी मांगे हैं वो दरअसल वो छात्रों की है जो छात्र इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कितना क्रेज है सरकारी जो नौकरियां हैं उनको लेकर। अब सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से ही हम आपको कुछ और जानकारी यहां पर देते हैं कि किस तरह का क्रेज जो है बांग्लादेश में वो सरकारी नौकरी को लेकर है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी रोजगार का एक बड़ा जरिया है। भारत की ही तरह बांग्लादेश में सरकारी नौकरी का क्रेज देखने को मिलता है क्योंकि कई सारी सुविधाएं, कई सारी और बातें उसमें हैं। हर साल 4 लाख से ज्यादा छात्र कंपटीशन एग्जाम्स जो हैं वो देते हैं। 3000 छात्र बांग्लादेश सर्विस कमीशन के लिए बैठते हैं और कुछ वर्षों से कोटा ना मिलने की वजह से योग्यता का बोलबाला था। तो जब कोटा नहीं था तो योग्यता देखी जाती थी वहां पर, लेकिन अब छात्रों को डर है कि आधी से ज्यादा सीटें तो कोटा वाले खा जाएंगे, फिर ऐसे में जो योग्यता वाले हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि बीच में जो ये है इसे बंद कर दिया गया था, इसे खत्म कर दिया गया था। फिर वो आप ये कहिए कि एक समझौतावादी जो दृष्टिकोण था शेख हसीना का, उस समझौतावादी दृष्टिकोण से उसे खत्म कर दिया गया था। खैर, लेकिन अब ये छात्र सभी छात्रों के लिए एक समान अधिकार की मांग कर रहे हैं। वो पांच बड़ी मांगे हमने आपको अभी बताई थी। बांग्लादेश के इन प्रदर्शनकारी छात्रों के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानियों के जो पोते पोती हैं उनको आरक्षण देने का कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहे हैं वो किस चीज बात के हकदार हैं, किस लिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में कोटा नहीं, मेरिट की जरूरत होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने उनका जो योगदान है वो ठीक है, लेकिन उनके पोते पोतियों को क्यों उनका जो बाकी सुविधाएं हैं या कोटा है वो दिया जा रहा है। संजय सोई क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, ये भी आपको सुन रहा है। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत में कड़ी चिंता है क्योंकि बांग्लादेश एक भारत का अभिन्न मित्र है। शेख हसीना और उनकी पार्टी के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, सरकार के साथ कई करार हुए हैं और जो वहाँ पर जो हालात है नेचुरली इसका फर्क भारत के संबंधों पर पड़ सकता है। भारत इसके ऊपर पूरी तरह से निगाह रखे हुए हैं। तीन चार बातें आती हैं कि अगर वहाँ पर अनरेस्ट और बढ़ जाता है, सरकार को खतरा होता है तो भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशन होंगे। वाकई में एक बहुत सोचने वाली बात होगी क्योंकि हार्डलाइनर ग्रुप सामने आ जाएगा और जो भारत और बांग्लादेश की दोस्ती है उसमें खटास डालने वाले काफ़ी इंटरेस्टेड लोग हैं जो भारत के खिलाफ हैं। दूसरी बात यह कि एक तरफ से और एक मोर्चा भारत के खिलाफ खोलने के लिए तैयारी हो जाएगी।